लास्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर आपका प्रिपेयर कंप्लीट हो गया था, आप सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर अराउंड अस प्योर की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले प्योर सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें क्या है कि जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स। अब यहाँ पर बात आती है सिंगल टाइप, सिंगल टाइप का मीन्स ये मिल्क को आप नहीं कह सकते प्योर सब्सटेंस। मिल्क क्या है? मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होती है एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्योर सब्सटेंस में सिंगल टाइप का ही सब्सटेंस आपका प्रेजेंट होगा। मार्केट में भी जो चीज़ आप यूज करते हैं वो सिंगल टाइप लिखी रहती है कि प्योर घी है, प्योर आपका मिल्क है, या प्योर आपका साल्ट है, प्योर जो भी शुगर है, अलग अलग टाइप से मटेरियल लिखे होते हैं। तो जिसमें अगर वन टाइप का सब्सटेंस आपका प्रेजेंट हो रहा है तो उसी को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की हमने बात आपको बताई, तो इसके अकॉर्डिंग एक ही टाइप का सब्सटेंस होना चाहिए। इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर मेल्टिंग और बॉइलिंग आपका फिक्स होता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस का। अब बात आती है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर द मिक्सचर इज ए मेडअप ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, मिक्सचर में टू आर मोर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक होमोजीनियस और दूसरा हेटरोजीनियस। तो होमोजीनियस का अगर आप वर्ड देखें, होमोजीनियस हेटरोजीनियस, होमो मींस होता है सेम। सेम कंडीशन का अर्थ क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने वाटर लिया, यहाँ देखिए यहाँ पर आप देखिए बीकर, और बीकर में आपने यूज कर दिया वाटर और इसमें आपने डाल दिया, डिजॉल्व कर दिया साल्ट। साल्ट को जब आपने डिजॉल्व किया तो क्या होगा, पूरी तरह से ये इसमें डिजॉल्व हो गया। साल्ट क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, इसमें कोई भी बाउंड्री वाल आपको नजर नहीं आती। कहने का मतलब ये पूरी तरह से साल्ट आपका डिजॉल्व हो गया, और जब डिजॉल्व हो गया तो ऐसी कंडीशन को हम बोल सकते हैं होमोजीनियस। इसमें साल्ट पूरी तरह से सी नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा, ये जो सोल्यूशन बना इसमें साल्ट यूज किया और यहाँ पर वाटर, ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी कंडीशन अगर आप देखें, अगर हमने वाटर को ले लिया और यहाँ पर हमने सैंड ले ली, सैंड या अनडिजॉल्व शुगर ले ली, अनडिजॉल्व शुगर अगर हम यूज कर देते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं सैंड को अगर आप इसमें यूज करते हैं वाटर में तो सैंड क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। और जब सेटल डाउन होगी तो क्या होगा, उसमें दो लेयर आपको नजर आएंगे, दो डिफरेंट टाइप की लेयर नजर आएंगे। या मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको अनडिजॉल्व शुगर का, तो वाटर के साथ जब अनडिजॉल्व शुगर का यूज करते हैं तो भी क्या होगी, दो लेयर नजर आएगी, एक शुगर की और एक वाटर की। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, हेटरोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेटरोजीनियस की बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिसमें होमोजीनियस कंडीशन में अगर आप देखें तो उसमें कोई भी बाउंड्री वॉल आपको नजर नहीं आएगी, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर डिजॉल्व होता है सेम तरह के केसेस में तो ये कहलाती है होमोजीनियस। और जहां पर दो टाइप की लेयर आपकी प्रेजेंट हो रही है, अनडिजॉल्व कंडीशन आपकी प्रेजेंट हो रही है, कहने का मतलब वाटर में सैंड आपकी पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नोन एज हेटरोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेटरोजीनियस दो कंडीशन आपकी बताई, इसमें बाउंड्री आपको नजर आएगी लेकिन इसमें बाउंड्री बिल्कुल नजर नहीं आएगी, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। बाकी और भी कंडीशन है वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।